आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। जमीनी विवाद में मारपीट, घायल वृद्ध की मौत, आधा दर्जन घायल। महाराजगंज क्षेत्र के भटोली गांव में मंगलवार को जमीनी विवाद में हुई मारपीट में आधा दर्जन घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल वृद्ध ने इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया, तो परिजन ने लाश को लेकर के इलाहाबाद शाहगंज मुख्य मार्ग बाधित कर दिया और उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मौके पर एसडीएम बदलापुर पहुंचकर उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। उन्होंने क्या कहा, उनकी जुबानी सुनते हैं। अमित पांडे, मंडल हेड, वाराणसी। इसके अलावा कई प्रकार के मतलब उसमें तरीके दिए गए हैं, जिसमें कि अगर मृतक हो जाता है व्यक्ति तो कृषक दुर्घटना में वो मतलब है कि मिल जाता है सर्वित, अब तो मुख्यमंत्री सर्वित कृषक बीमा योजना हो गई है। इस वजह से हमें एक बार थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, आप जमीन रहे न रहे, अगर वो कृषक मजदूर भी रहते हैं, दूसरे की बटाई भी करते हैं, तो उनको भी हम लोग समाहित कर ले रहे हैं। जी जी। पर ये समस्या ये चूंकि आ जा रही है कि उनकी मतलब कुछ कार्यवाही में ही हत्या हुई है, तो वो आपराधिक कृत्य करते हुए हुआ है कि नहीं हुआ, ये समस्या थोड़ी सी मतलब कि उसको देखने में चीजों रहती है। तो हम लोग ने मार्गदर्शन के लिए भी भेजा है जिले में, एक पुराना प्रकरण यहाँ गजाधरपुर का हुआ था, जैसा उसमें प्रकरण आएगा पत्रावली हम आपकी आगे बढ़ा लेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं। सर ये लाइव रिपोर्ट, लेकिन सर हाँ वही चीज, लेकिन सर जो मरे हैं, जो मार दिए गए हैं, उनके पास 8 बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई कहीं नहीं कमाता है। ये देख लीजिए आप, तो हम लोग कुछ आप देख लीजिए, यह है एक यह है साहब, चलो जो जो है कि हो गया हो गया हो गया, उसका दिमाग ठीक नहीं है, क्या कमाएगा, कहाँ से लोग खाएंगे। प्रावधान तो देखिए ये चीज के लिए मंदिर को मैंने बता दिया, अब बाकी रिपोर्ट भेजने की बात रखी, वो हम लोग रिपोर्ट मतलब की भेज देंगे, वो चीज के जैसा मतलब और सर एक बात और कह रहे हैं सर कि जो लोग मारे हैं हमारे भाई साहब को, उन लोग जो गिरफ्तार हो जाएंगे, तत्काल उनको जो है कि रिहाई दिया जाए। जो ये चीज के लिए कि जो मुआवजा आपका चीज होना है, आप उसमें भी एक बात क्लियर कर देता हूँ कि उसमें आवेदक जो मतलब मृतक हैं उनके परिवार वालों को ही फॉर्म भरना होता है, हमारे लेखपाल साहब आपको असिस्ट कर देंगे। पर पिछली बार जैसे हुआ कि एक दिन में मुआवजा दिलाया जाए, पता चला कि 25 दिन तक हमारे लेखपाल भागते रहे और वो फॉर्म भर के नहीं दिए। ये चीज अपना कर लीजिए कि आपको मैं ले लीजिए करना, आपको आधार कार्ड सब चीजें जो है डिटेल आपको हमको दे देना है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। दूसरी ये है कि जो आप बंजर की बात कर रहे हैं वो तत्काल मतलब है कि जाके वहाँ पे खाली हो जाएगा, उस चीज के लिए कोई समस्या नहीं, प्रधान जी से वार्ता कर लेते हैं। तो भाई बंजर तो सबकी है, तो बंजर से मतलब है कि नियम तो वैसा नहीं है कि बंजर पे आप रास्ता किसके लिए बनाने के लिए, पर ये चीज के लिए बंजर हम उसको खाली करा के पूरा वो कर सर आप चाहेंगे तो हो जाए। तीसरा ये चीज है कि जो पुलिस कार्रवाई अभी सीओ साहब से बात कर लेते हैं कि क्या हुआ, और ऐसा मुझे पक्का विश्वास है कि कार्रवाई चालू हुई होगी, अब चूंकि आप लोग इतना भीड़ लगा देते तो पूरे लोग यही डिस्टर्ब हो जाते हैं। कार्रवाई तो आप जब आगे समय देंगे तो कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए लोगों को समय मिलता है। साहब 3 दिन हो गया हमारे घर, 1 दिन पुलिस, चलिए अभी पुलिस जितने लोग यहाँ मौजूद थे समझ यही बताया गया था, उनकी दो प्रमुख मांगे थी, एक तो मतलब आर्थिक सहायता दी थी, उसके लिए उन्हें बता दिया गया कि नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। दूसरा उनका ये कहना था कि कहीं पे मतलब है कि रास्ते का विवाद था, तो टीम लगा दी गई है, कल उनकी उपस्थिति में ही वो भूमिका समर्थन किया जाएगा। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।